अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू एम क्यूज़ किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे टाइम बेस प्रो ट्रिपल चार्जिंग स्टैंड। इस पे आप एक टाइम में दो आईफोन चार्ज कर सकते हैं और तीसरी अपनी एप्पल वॉच चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ भी है, इसमें अलार्म भी है, इसमें स्पीकर भी है और इसमें क्लॉक भी है। यानी कि एक छोटी सी चीज़ में आपको बहुत सारे फ़ायदे इकट्ठे मिल रहे हैं। इसकी प्राइस है $100 बिफोर टैक्सेस। और चलिए हम देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले यहाँ जो आप छोटी सी चीज़ देख रहे हैं, ये iPhone 12 mini जो है उसका स्टैंड है। अगर आपने iPhone 12 mini स्टैंड के ऊपर चार्ज करना है तो वो छोटी सी जो चीज़ है वो पहले आप नीचे रखेंगे और फिर उसके ऊपर आप फ़ोन रखेंगे। इसके अलावा ये एक पावर केबल है जो आप इस चार्जिंग स्टेशन को स्विच ऑन करने के लिए पहले लगाएंगे। इसके साथ ये जो आपको थोड़ा सा पेपर नज़र आ रहा है, जब आप इसको ऑन करने लगेंगे तो ये आपको निकालना पड़ेगा। ये हम सबसे पहले ये पेपर जो है इसके ऊपर से रिमूव करते हैं। यहाँ पे जो इसकी राइट साइड पे हैं, यहाँ पे तीन बटन दिए हुए हैं, वॉल्यूम अप और डाउन करने का बटन और साथ इसमें प्ले और पॉज का बटन है, और लेफ्ट पे टाइम, अलार्म और पावर का बटन है। तो आइए इसको पावर ऑन करके देखते हैं। यहाँ पे ये जो आपकी पावर की केबल है वो इसके अंदर यहाँ पर जाएगी और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपको टाइम नज़र आ रहा है सामने। और सबसे पहले एक फ़ोन चार्ज करने के लिए आप एक फ़ोन इसके ऊपर ही रखते हैं, आपको और कुछ नहीं करना। सिंपल आप फ़ोन इसके ऊपर रखें और आपका फ़ोन चार्ज होना शुरू हो गया है। आप इसको चार्ज करते हुए यूज़ भी कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप वीडियो देख सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला था, आप दो फ़ोन चार्ज कर सकते हैं, तो दूसरा फ़ोन आप पावर केबल के साथ, जो चार्जिंग केबल होती है, आप इसके अंदर चार्जिंग केबल लगाएंगे और इस केबल के साथ आप अपना दूसरा फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। और इस का मतलब यह है कि आप एट अ टाइम दो फ़ोन इस पे चार्ज कर सकते हैं। और क्लॉक का टाइम चेंज करने के लिए, अपने टाइम के मुताबिक इसको करने के लिए, यहाँ पे आप पहले टाइम का बटन प्रेस करेंगे जब तक कि ये नंबर्स फ्लैश होना शुरू हो जाएं। जब नंबर्स आपको इस तरह फ्लैश होते हुए नज़र आएंगे, उसके साथ ही आप यहाँ पे जो वॉल्यूम के बटन्स दिए हुए हैं उससे आप नंबर्स कम या ज़्यादा, टाइम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद दोबारा से आपका टाइम का बटन दबाएंगे तो आपका टाइम सेट हो जाएगा। ये साइड पे जो आपको वाइट चीज़ नज़र आ रही है, ये आपकी एप्पल वॉच जो है वो चार्ज करने के लिए है। आपको इसके ऊपर वॉच रखनी है और ये ऑटोमेटिकली चार्ज होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे DST लिखा हुआ है, विच मीन्स डे लाइट सेविंग टाइम। जैसे कि आपको पता है कि समर और विंटर्स में टाइम चेंज होते हैं, तो ये यहाँ आप सिर्फ बटन दबाएंगे तो टाइम चेंज हो जाएगा। अभी 6:30 थे तो अभी ये 7:30 है, जो एक घंटा आगे या पीछे होता है। आप खाली ये बटन दबाने से उसको चेंज कर सकते हैं। ब्लूटूथ ऑन करने के लिए आप ब्लूटूथ के बटन के ऊपर थोड़ी देर इसको प्रेस करेंगे, जब लाइट फ्लैश होना शुरू हो जाएगी तो उसके बाद आप अपने फ़ोन को लें और उसके फ़ोन की सेटिंग्स में जाके ब्लूटूथ का बटन प्रेस करें, तो वहाँ पे आपको जो आई होम वाला बटन नज़र आएगा, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और आपकी पेयरिंग शुरू हो जाएगी। ये इसके सारे फीचर्स थे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।